शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए सिद्धार्थ लड़ा ने मंगलवार को अपना नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश कर दिया। नाम निर्देशन पत्र भरने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ लड़ा ने कहा कि शिवपुरी से मुझे महाराज ज्योतिराज सिंधिया ने टिकट दिया है, मुझे महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हें उम्मीद है कि ज्योतिराज सिंधिया ही उन्हें जिताने के लिए मोर्चा संभालेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपका प्रचार करने के लिए अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ ज्योतिराज सिंधिया आएंगे, जवाब देते हुए सिद्धार्थ लड़ा ने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया की कृपा से ही उन्हें टिकट मिला है और उन्हें उम्मीद है कि वह बुआ के खिलाफ भी जोर शोर से प्रचार करने के लिए आएंगे। देखिए, मुझे आशीर्वाद श्रीमद महाराज सिंधिया जी ने दिया है। विगत 3 साल पहले मुझे शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था और उसी विश्वास के साथ मेरे को यहाँ का शिवपुरी शहर के लिए प्रत्याशी भी बनाया है। मुझे विश्वास है कि जनता चाहती है कि एक स्थानीय विधायक मिले जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सके। मुझे विश्वास है कि सब मुझे सपोर्ट मिलेगा, आम आदमी का सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए लगता है कि सिंधिया जी यहाँ पर आएंगे और अपनी बुआ के सामने आपके लिए प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए? लगता क्या है साहब, वो तो महाराज की टिकट है, महाराज के आशीर्वाद से टिकट मिला है तो महाराज स्वाभाविक सी बात है सब आशीर्वाद। शिवपुरी से EMS TV के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।